राज्य में 2-3 दिवस वरसादी माहौल रहेशे। मोटा समाचार वरसादने लईने सामे आवी रह्या छे, ज्यां हळवा मध्यम अने क्यांक भारे वरसादनी आगाही कराई छे। 10-12 सप्टेम्बरे दक्षिण गुजरातमां भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी। सौराष्ट्रना दरियाई जिल्लामां छूटा छवायाथी भारे वरसादनी आगाही छे। 12 सप्टेम्बरે दक्षिण गुजरातमां भारેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે। બંગાળની ખાડીમાં હળવા દબાણથી 2 દિવસ બાદ વરસાદી માહોલ બનશે। 11 અને 12 સપ્ટેમ્બરે ઉત્તર ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે ચેતવણી અપાઈ છે। गुजरात में अभी बारिश रहेगा, मोस्टली अगले 2-3 दिन में आइसोलेटेड रेन होने का संभावना है। एंड साउथ गुजरात में एक जगह में भारी बारिश भी हो सकती है। 10th, 11th, 12th में भी गुजरात में भारी बारिश होने का संभावना है। मोस्टली जो भारी बारिश रहेगा साउथ गुजरात को रहेगा, इवन कोस्टल सौराष्ट्र में भी एक दो डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। लेकिन 12 तारीख को भारी से अति भारी बारिश भी गुजरात रीजियन में हो सकती है। लेकिन जो अति भारी बारिश और भारी बारिश रहेगा जो गुजरात रीजियन का सदर्न पार्ट में, जैसे बलसाड, नवसारी, दमन, दादरा नगर हवेली, तापी, डांग, ये सारी जगहों में भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है। और कोस्टल सौराष्ट्र में एक दो डिस्ट्रिक्ट जैसे अमरेली, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, इवन जूनागढ़ में भी आइसोलेटेड प्लेसेस में भारी बारिश हो सकती है। अभी फिशरमैन मॉर्निंग डे 3 यानी 10th, 11th, 12th को साउथ गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन वार्निंग रहेगा। विंड स्पीड भी रहेगी और बारिश भी साउथ गुजरात कोस्ट में होने का संभावना है।